वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सारे नोटिफिकेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ रिसेंटली आपने सुन लिया हुआ कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, जो कमर्शियल प्रोडक्शन है हमारा इंडिजिनियसली डेवलप की हुई वैक्सीन जिसको पंपी प्रोवैक कहा जा रहा है, इसका जो अब प्रोडक्शन है वो इंडिजीनियसली हमको जो है लार्ज स्केल पे बिल्कुल देखने को मिलेगा। अब बहुत ही कम दामों में जो है एक सुरक्षा कवच पशुओं को जो है मिल जाएगा, जिससे जो लंपी वायरस की डिसीज जो भारत में बहुत ही लार्ज स्केल पे फैल रही थी उसको जो है अब रोका जा सकता है। और देखिए, आपको पहले यहाँ पे पता होगा कि एग्रीकल्चर जो हमारे मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इंडिजिनियसली वैक्सीन जो लंपी प्रोवैक है उसको लॉन्च किया था 11 अगस्त 2022 को, जिससे जो लाइव स्टॉक है उसको हम लंपी स्किन डिसीज से जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इसको लॉन्च तो कर दिया गया था लेकिन लंपी प्रोवैक जो वैक्सीन है उसको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे आपको जो है देखने को मिलेगा। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल है PIB का, MOU signed for commercial production of indigenously developed vaccine Lumpy Provac in the presence of Union Minister, Fisheries, Animal Husbandry and Dairy। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के जो है एकनाथ शिंदे, वो भी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और परसोत्तम जो रूपाला जो कि यूनियन मिनिस्टर है फिशरीज डेरीज के, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मेनली ये जो इंडिजियसली डेवलप की हुई वैक्सीन है ये गेम चेंजर होगी, और भारत सरकार वैसे यहाँ पे काफी ज्यादा एफर्ट लगा रही जिससे जो लंपी स्किन डिसीज है उसको हम प्रोटेक्ट कर पाए, उसको हम कंट्रोल कर पाए और हम जो है पूरे तरीके से इस डिसीज को एलिमिनेट कर पाए। देखिए, अभी तक हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं थी लेकिन अब जो है हमारे पास लंपी स्किन डिसीज के लिए एक वैक्सीन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। और देखिए, ऑलरेडी आपको पता होगा कि जब लंपी स्किन डिसीज आई थी ना, तब से अगर आप देखोगे तो मेजर केसेस जो है हमको पूरे इंडिया में देखने को मिल रहे थे। ये डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल भी है, लंपी स्किन डिसीजेस क्लेम्ड लाइव्स ऑफ 11,547 कैटल इन 10 मंथ्स इन महाराष्ट्र। तो मेनली लंपी स्किन डिसीज ये क्लेम करती है कि करीब 11,547 जो कैटल है वो इतने सारे केसेस जो है महाराष्ट्र में रिकॉर्ड किए गए थे। तो देखेंगे हम इस वीडियो में कि एक्चुअली में ये जो MOU है ये किस तरीके से यहाँ पे साइन किया गया था और कितने लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्शन है वैक्सीन का वो हमको देखने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, UPSC, BPSC, UPPSC, UBSSSC, EPFO, आप हमारे कोर्सेज थ्रू कर सकते हो। हमारे पेड ग्रुप जो है चलते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, अनसर्टेनिटी, इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, आपको जो है सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप बिल्कुल यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, @studyforcivilservices है, तो जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक जो है बिल्कुल पहुंच पाएगी। ना वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो ICAR है उसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, मोहाली। तो सही उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिएगा। नाउ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे समझना होगा लंपी स्किन डिसीज को। देखिए, हाल ही में भारत में 2019 से लंपी स्किन डिसीज के जो केसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहे थे। सबसे पहला केस जो है ओडिशा में रिपोर्ट किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत के कई राज्यों में लंपी स्किन डिसीज जो है वो फैल चुकी थी और 2019 में लार्ज नंबर ऑफ कैटल जो है उनकी डेथ होने लगी थी। तो अगर आप पूरे भारत में देखोगे तो अलग अलग राज्यों में कई सारे जो मवेशी हैं, कैटल्स हैं, उनकी जो है डेथ हो रही थी, और खासकर नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है ना भारत का, वहाँ पे मेजर जो केसेस है वो देखने को मिले थे। हरियाणा, पंजाब, इन सब जगहों पे बहुत ही बड़े लेवल पे केसेस जो है देखने को मिल रहे थे और ये डिसीज जो है कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। तो उस समय हमारे पास जो गोल्ड पॉक्स वैक्सीन थी ना उसको जो हम यहाँ पे यूज करते थे। उस समय हमारे पास वैक्सीन तो थी नहीं लेकिन फाइनली जो है बाद में यहाँ पे वैक्सीन को डेवलप किया गया। अब देखिए, अगर हम लंपी स्किन डिसीज की बात करें तो ये जो वायरस होता है ये मैकेनिकली जो है ट्रांसफर होता है, मतलब कैटल जो इंसेक्ट है वो कैटल को यहाँ पे काट देते हैं जाके, तो ये जो वायरस है वो उन तक जो है यहाँ पे पहुंच जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये अफ्रीकन जो कैप बफेलो है ना, वहां पे आपको मेनली जो है ये लंपी स्किन डिसीज जो है देखने को मिलेगा। मतलब मेनली सबसे पहले ये जो केसेस हैं लंपी स्किन डिसीज के वो अफ्रीका में ही जो है यहाँ पे रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन उसके बाद भारत में भी जो है कई सारे केसेस हमको देखने को मिले हैं। नाउ अब अगर हम बात करें तो जो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है उसने लंपी प्रोवैक जो वैक्सीन है उसको यहाँ पे डेवलप किया है। ये मेनली लोकली मेड वैक्सीन है, मतलब भारत ने ही जो है इसको डेवलप किया हुआ है, तो कैटल को लंपी स्किन डिसीज से हम बचा पाए इसलिए जो है इस वैक्सीन को यहाँ पे क्या किया गया है, डेवलप किया गया है।
क्योंकि अगर आप लंपी स्किन डिसीज के केसेस देखोगे तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इन सब जगहों पे आपको सबसे ज्यादा जो है देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली कैटल जो है जो लंपी स्किन डिसीज है उससे यहाँ पे लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं अगर आप फार्मर्स देखोगे तो उनको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और जो यहाँ पे गाय भैंसे जो है इनके पास है उनको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो हमको देखने को मिल रही थी। खासकर जो डेयरी है उनमें भी जो है कई सारे केसेस जो है हमको देखने को मिले थे। अब फाइनली जो लंपी प्रो वैक्सीन है वो हमको जो है देखने को मिलेगी, और इसी के लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्कुल यहाँ पे साइन किया गया है, जिससे जो कमर्शियल प्रोडक्शन है इंडिजिनसली डेवलप की हुई वैक्सीन लंपी प्रोवैक का उसको हम जो है बिल्कुल यहाँ पे कर सकें। और देखिए जो मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री है उन्होंने यहाँ पे ये भी हाईलाइट किया कि ये एक बहुत ही बड़ा कदम है टेक्नोलॉजी की तरफ, किस तरीके से हम जो है अपनी खुद की वैक्सीन को यहाँ पे अब जो है डेवलप कर पा रहे हैं। तो मेनली पुणे में जो इंडियन का जो वेटनरी सेंटर है पुणे में जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है स्टार्ट की जाएगी वैक्सीन की, बहुत ही लार्ज स्केल पे, बिल्कुल यहाँ पे डिले नहीं किया जाएगा, जल्द से जल्द वैक्सीन जो है बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल होगी, जिससे फार्मर्स को जो है हम ये वैक्सीन पहुंचा पाएंगे और बहुत ही कम दाम में जो है ये वैक्सीन फार्मर्स तक जो है पहुंच जाएगी। जिससे होगा क्या कि जो मवेशी हैं जो यहाँ पे कैटल्स हैं जो इसके लंपी स्किन डिसीज से यहाँ पे लड़ रहे हैं उससे यहाँ पे बच पाएंगे, और भारत सरकार कंटिन्यूसली यहाँ पे एफर्ट लगा रही थी कि हम किसी भी तरीके से अपनी वैक्सीन को यहाँ पे डेवलप कर पाएं ताकि जो कैटल्स हैं जो मवेशी हैं जो यहाँ पे लंपी स्किन डिसीज से यहाँ पे लड़ रहे हैं उससे जो है ये बच पाए। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का हेडक्वार्टर आपको जो है किस जगह पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, मोहाली। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो हेडक्वार्टर है वो आपको नई दिल्ली में जो है देखने को मिलेगा। एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इंडिजिनसली जो डेवलप की हुई वैक्सीन है लंपी प्रोवैक उसके बारे में काफी कुछ जो है जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।